नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, ब्लेसिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर चर्चा। अमृतसर में भी मन को सशक्त बनाने की सिखाई युक्ति। भोपाल में वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन समारोह, तो शिक्षाविदों के लिए सम्मेलन का भी आयोजन। महाराष्ट्र के डोंबिवली सेवा केंद्र की 41वीं वर्षगांठ, संस्था से जुड़े हजारों लोग हुए शामिल। पटियाला के SST नगर सेवा केंद्र की भी मनी 8वीं सालगिरह। इंदौर के ज्ञान शिखर में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन, लोगों ने स्थूल नेत्र के स्वास्थ्य के साथ ज्ञान नेत्र को भी जागृत करने की सीखी विधि। राजस्थान के भाद्रा में बेटियों को सशक्त बनाने का प्रयास, ओडिशा में चला बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान। इंदौर में विभिन्न परिस्थितियों के मध्य जीवन को खुशहाल कैसे बनाए विषय पर चर्चा, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिंदगी को वाह बनाने के सुझाए तरीके। और रशिया के सिविक चैंबर ऑफ द रशियन फेडरेशन में सम्मेलन का आयोजन, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को किया सचेत। वहीं शिकागो के रॉक फोर्ड गुरुद्वारे में ब्रह्मा कुमारिस को किया आमंत्रित। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डॉक्टरों के लिए ब्लेसिंग साइंस विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर 2 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एवं NCR के 300 से अधिक जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे। इस रिट्रीट के शुभारंभ अवसर पर अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ सलाहकार व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मिल शर्मा, BISR के वरिष्ठ सलाहकार व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BL भार्गव, डॉक्टर मंजू गुप्ता, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव BK बनारसी लाल, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी समेत अनेक गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। जब हम अपने काम पे जुटे तो थोड़े अच्छे मन से और बिल्कुल पेशेंट के साथ कनेक्टेड। कितनी बार होता है, ठीक है, हमारे पास बहुत मरीज हैं, हम इरिटेटेड होते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता सबको बार 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 समझाने का। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस 24 और 25 की छुट्टी में लोग बाहर जाना ज़्यादा संभव समझने लगे और यहाँ तक कमाने का उनको मौका मिला। बट जितने भी आए हैं, आई फील वी विल बी डेफिनेटली वी विल इन्जॉय। स्पिरिचुअलिटी is the one of the most important thing, and मैंने सोचा कि wellness is the real key for happiness, and I think there is no doubt about it कि spirituality जो है आपके साथ जो कहा is number one। अगर हम शिव बाबा के कहे हुए कुछ महावाक्यों को follow करें और उसी तरीके से हम अपने विचारों को हर समय देखना शुरू करें तो हमारा बिहेवियर, हमारा ट्रीटमेंट, हमारा सब कुछ दूसरे लोगों के साथ बदल जाता है। इस कार्यक्रम में BK ब्रिजमोहन ने बताया कि मानव का असली स्वरूप शांति, प्रेम और आनंद है, लेकिन आज भौतिक पदार्थों के प्रभाव में आने से उसका स्वरूप धूमिल हो गया है। इसके साथ ही ORC के निदेशक BK आशा ने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे शांति नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में आत्मा की जो डेफिनेशन दी गई है वो है सत, चित और आनंद स्वरूप। आपने सुना होगा, सत मीन्स एटर्नल, फॉर एवर, इम्पेरिशेबल। चित मीन्स लाइव, जिस चीज़ के अंदर कॉन्शियसनेस है। ये टेबल चित नहीं है, ये जड़ है। हम लोग इस वक्त कॉन्शियसनेस में हैं। जब हम बॉडी को छोड़ देंगे तो बॉडी डेड हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, हम चेतन हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आनंद स्वरूप। पीस एक ऐसी चीज है जो कि हम सब पसंद करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि अगर मुझे अशांति है तो चलता है। वहीं BK शिवानी ने सभी को मन से पकड़ी पुरानी बातों को छोड़ वेट लूज करने पर जोर दिया। साथ ही BK डॉक्टर मोहित गुप्ता ने विज्ञान और आध्यात्म का उद्देश्य हमारे मन का परिवर्तन करना बताया। इस फोन को अगर मैंने जीवन भर नीचे नहीं रखा तो क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस वेट नहीं बढ़ेगा, बात का साइज चेंज नहीं होगा,
लेकिन फैक्टर क्या है, कितना टाइम पकड़ के रखा है। हाथ थक जाएगा, वो तो थोड़ी देर और भी नहीं रखा मैंने, और इट वॉन्ट अलाउ मी टू वर्क। वाई? बिकॉज दिस सेम हैंड हैज टू डू सो मेनी अदर थिंग्स। लेट अस आस्क आवर सेल्फ, दिस सेम मी हैज टू डू सो मच एंड दिस मी इज होल्डिंग ऑन टू लिटिल लिटिल थिंग्स। वो वाली बात, वो वाली बात, उस दिन की वो वाली बात, उसने वो वाला कहा, तो हमने वेट लूज करना है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ये दोनों सच्चाई की खोज के अंदर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, साइंसदान केवल साइंस पर बिलीव करते हैं और आध्यात्मिकता केवल आध्यात्मिकता पर ही बिलीव करते रह जाते हैं। लेकिन इन सब का जो मूल आधार है वो है हमारे माइंड, हमारे मन का परिवर्तन। तो यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, किस पर करना पड़ेगा? माइंड पावर पर, मन पर नियंत्रण। वहीं अमृतसर में भी बीके शिवानी ने मन को शांत एवं सशक्त कैसे बनाए, इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो नेचुरल नहीं है उसे नेचुरल बोलते गए, तो आज नेचुरल क्या है वो ही हम भूल गए। दाग लगते गए हमने साफ नहीं किया, फिर दाग लगा हमने साफ नहीं किया, तो थोड़े समय बाद हमें भूल ही गया कि वो ऊपर से लगा हुआ दाग है। हमने कहा ये तो मेरी नेचर है। अब गिनो कितनी चीजों को हम नेचर कहते हैं। कोई आपको कहे ऐसा गुस्सा नहीं करो, कहते ये तो मेरी नेचर है। किसी को हम कहते थोड़ा सा सॉफ्ट बोलो, कहेंगे मेरी आवाज ही ऐसी है ना। तो जो नेचुरल नहीं है उसको नेचुरल 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 बोलते गए तो नेचुरली भूल गया। सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा सिद्धि विनायक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल जोशी, मेयर बख्शीराम अरुणा, आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह, राजिंदर मोहन सिंह शीना, स्वराज ग्रोवर, सुदर्शन कपूर, प्यारालाल सेठ, सुदर्शन बदवा, अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके राज, बीके आदर्श मुख्य रूप से उपस्थित थी। भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन समारोह सांसद आलोक संजर, कमिश्नर आजाद शत्रु श्रीवास्तव, कर्नल एपी सिंह, संयुक्त आयुक्त एमएल त्यागी, आर्किटेक्ट हर्ष नारंग, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, बीके सुमन, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, कोला रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षाविदों के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद आलोक संजर ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अन्य अतिथियों ने भी भविष्य में इस पुनीत कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। कुछ जियो औरों को भी जीने दो, हम भी जिए और दूसरों को भी जीने का अवसर प्रदान करें। हम ये ऊंचाई और निचाई का भाव खत्म करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, हम सब हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी बनने का प्रयास करें। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में आने का हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आज आप लोगों के बीच में आया और अभी दीदी बता रही थी, तालियां बता रही थी कि भोपाल जो है स्वर्णिम भोपाल बनने वाला है। इंस्टीट्यूशन से संबंधित लोग हैं उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र की स्थापना में यदि उन्हें किसी भी प्रकार के प्रशासकीय कोई ऐसा कार्य हो जो मेरे लायक उनको समझ में आए, या कोई ऐसी जिम्मेदारियां हो जो उनको लगता हो कि ये प्रशासन से संबंधित हैं, तो निसंकोच मुझे जरूर बताएंगे और मैं साथ में शामिल होने में अपने लिए बड़ी खुशी और गर्व का मेरे लिए विषय है। आप सभी अपना समझ करके, बाबा का समझ करके, एक मध्य प्रदेश और भोपाल विशेष करके इनको एक अच्छी ऐसी स्थान बनाए और लोग आकर्षित होकर के इधर के बार बार आते रहे। ऐसे भोपाल में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। राजयोग का नियमित अभ्यास करने वाले बीके आशीष ने बच्चों से भरी मिनी ट्रेन को अपने दांतों से खींचकर मनोबल का परिचय दिया। इसके साथ ही लोगों को राजयोग व ध्यान करने के फायदे बताए। महाराष्ट्र में डोंबिवली सेवा केंद्र की 41वीं सालगिरह अलौकिक दिव्यता व पेशवाई भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें घाटकोपर, भटवाड़ी, विक्रोली, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, डोंबिवली सेवा केंद्रों के लगभग 1000 लोग मौजूद रहे।
ब्राह्मणों की अलौकिकता व साथ में पेशवाई का सौंदर्य भव्यता का मिलाप इस वार्षिकोत्सव की भव्य शोभा रही, जिसमें पेशवा राज दरबार लगाया गया और कई सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनों व यूं कहे राज अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन सभी के सम्मान में राजकीय वेशभूषा में नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर केक काटकर जहां सभी ने एक दूसरे को वार्षिकोत्सव की बधाई दी, वहीं कैंडल जलाकर सभी के मन में शांति व जीवन में खुशहाली आए ऐसी कामना भी की। वहीं कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ लोगों ने सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई दी। 41वां जन्म दिवस है, अर्थात बाबा के केंद्र का 41वां वर्ष मनाया जाएगा। लेकिन हम कितने थोड़े से ब्राह्मण बच्चे हैं जो कहते हैं हम कलयुग में नहीं हैं। हम कहाँ हैं? संगम युग में। पटियाला में SST नगर सेवा केंद्र का 8वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ शिरोमणि अकाली दल के लीडर प्रतिंदर कौर खातरा, पटियाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, वरिष्ठ राजयोगी बीके जगबीर, पंचकुला से बीके गौरव, बीके तमन्ना, बीके राखी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रतिंदर कौर ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं दी। सुखबीर जी हमेशा यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं कि दीदी ने हमेशा उनको राखी पे बुलाया था। मुझे कभी मौका नहीं मिला था यहाँ पे आने का, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता आपके बारे में, मैं बीके ब्रह्म कुमारी शिवानी जी को सुनती हूँ, उनको फॉलो भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। अब खबर इंदौर के ज्ञान शिखर की है, जहां पर ओम प्रकाश भाई जी सभागार में 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ इंडियन मेडिकल संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संजय लोढ़े, लॉयंस क्लब के रीजनल चेयरमैन हेमचंद जैन, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुरेश जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोलंकी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता ने कहा कि मानव के पास 2 नेत्र हैं, लेकिन ज्ञान का नेत्र ना होने के कारण वह पथ भ्रमित हो गया है। अब ज्ञान का नेत्र प्राप्त कैसे हो, इसके लिए परमात्मा शिव सहज ज्ञान एवं राजयोग के द्वारा सभी को 3रा नेत्र दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर संजय लोढ़े ने कहा कि परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक एवं मानसिक स्तर ऊँचा होना चाहिए। जिनके पास 2 नेत्र हैं उसके बावजूद भी वो अपने जीवन की राह भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही लक्ष्य, सही मंजिल, सही रास्ता और उस रास्ते पर चलने की सही विधि और सही गाइड का सत्य ज्ञान नहीं होता। और वह ज्ञान को भी एक 3रा नेत्र कहा जाता है। किसी पास जवाब ही नहीं कि आध्यात्मिक स्तर पे कुछ होता है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा सुना होगा कि अपने को अपना आध्यात्मिक स्तर, उसके बाद अपना मानसिक स्तर सुधारने की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ आके भाई जी से और इस संस्था में आके ये मेरे को ध्यान में आता है कि हमको आध्यात्मिक स्तर भी सुधारना है। शारीरिक और भौतिक और ये सब सुधारने के अलावा कहाँ हम चाहते हैं और दुनिया में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है।
इस अवसर पर डॉक्टर हेमचंद्र जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पवित्रता अनुपम है। यहाँ परमात्मा से मिलने के लिए आत्मशोधन होता है। मौके पर उपस्थित सुरेश जैन ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आदमी को आदमी बनाने की संस्था ब्रह्मा कुमारीज है। इसके साथ ही डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि जब मैं भक्ति मार्ग में था तो भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन जब से मैं आध्यात्मिक हुआ हूँ तब से मैं भगवान से बातें करता हूँ। खराब बुरे कर्म जो लगे हैं, जो अपने को ईश्वर की तरफ कंसंट्रेट नहीं करने देते, जो अपने को अपने आप को अपनी आत्मा को भी नहीं पहचानने देते, तो यहाँ पर उन चीजों का शोधन होता है। क्योंकि यहाँ की पवित्रता बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत लगा मुझे कि मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ परंतु वहां पर ऐसा पवित्र वातावरण नहीं दिखा, विचारों की इतनी शुद्धता नहीं थी। जो इसमें कहीं कोई मिक्सिंग है नहीं आपके आत्मा और ईश्वर के बीच में। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ के चरण, जब आदमी आदमी बन जाएगा। और मित्रों, आदमी को आदमी बनाने की संस्था अगर कोई है तो वो है ब्रह्मा कुमारी की संस्था। कभी तो आगे मुझे बताया नहीं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा एक सवाल उठता था कि भगवान कौन है। तो उस खोज का जो जवाब है वो मेरा समाप्त हुआ जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा कि हाँ यही पे है कि भगवान निराकार है, उसको वो आपको आगे सपने में ये दिखेगा नहीं। लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर मी देर इज नो अनआंसर्ड प्रेयर्स, मेरी हर प्रेयर का जवाब मुझसे मिलता है। क्योंकि जब मैं धार्मिक था तब मैं भगवान से डरता था, भगवान से भीख मांगता था, जब मैं आध्यात्मिक हुआ तो मैं भगवान से बातें शेयर करता हूँ तो मुझे उसका उत्तर भी मिलता है। राजस्थान के भादरा में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के प्रधान अध्यापक नारायण सिंह, राम प्रसाद बंसल, सरपंच सावित्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्र कांता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। मेहराना गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके चंद्रकांता ने कहा कि बेटी को सशक्त बनाने के पहले माँ बाप को सुख और शांति से रहना है, वह बच्चों को प्यार देना है जिससे वह कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। कि आप अपने जीवन में पहले तो खुद ही सुख शांति में बना रखें तो आप बच्चों को सही ढंग से प्यार दे सकेंगे, बच्चों के जीवन को महान श्रेष्ठ बना सकेंगे। आपके सामने ऐसी नौबत आएगी नहीं जो बच्ची आपका कहना न माने और वो घर से भाग जाए। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई जिसमें बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के नारे लगाए गए व समाज के लोगों को महिलाओं की सुरक्षा करने व उनका सम्मान करने के प्रति जागृति लाई। वहीं ओडिशा के बड़साही में सेवा केंद्र की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके चंद्रमोहन ने कहा कि बेटी हमारे समाज का वरदान है जिसकी रक्षा करना व सशक्त बनाना हम सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर तहसीलदार उर्मी प्रभा महाराणा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान समाज कल्याण के कार्य में सराहनीय कदम है। इसका शुभारंभ बरसाही पंचायत समिति के चेयरमैन चैतन्य मांझी, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर मीरापति, मयूरभंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री, बेतनटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके बनीता ने परमात्मा स्मृति में दीप जलाकर किया। इस दौरान शहर में रैली भी निकाली गई जिसमें बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में बीके दमयंती ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में विभिन्न परिस्थितियों के मध्य जीवन को खुशहाल कैसे बनाए विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। ओम शांति भवन द्वारा आयोजित इस सेमिनार में माउंट आबू साई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि खुशी तो हमारी जिंदगी में आना चाहती है लेकिन हम उसे अवसर नहीं देते हैं। खुशी तो हमारे जीवन में आना चाहती है लेकिन शायद हम ही इतने उलझे हुए हैं जो उसको अवसर ही नहीं दे पाते। खुशी इंतजार कर रही है कि कब
मेरे मालिक मुझे अपने जीवन में आह्वान करे और मैं सेवा में पहुंच जाऊं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुए इस सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी डी राठी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री प्रकाश व्यास, एम वाई हॉस्पिटल के पूर्व डीन डॉक्टर नाहटा, माउंट आबू से बीके देव, बीके शक्तिराज, इंदौर जोन के प्रभारी बीके आरती, प्रसिद्ध कैंसर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश फाटक सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाज सेवी उपस्थित थे। वहीं सभी ने गुब्बारे उड़ाकर विश्व में सद्भाव व शांति की कामना की। वहीं गुजरात के गांधीधाम में विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान के अंतर्गत महिलाओं का स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके गीता ने राज्यों का अभ्यास कराया एवं व्यक्तित्व विकास करने की युक्ति बताई। इस दौरान मुंबई के मुलुंद सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, बीके कश्मीरा भी उपस्थित थी। ऐसे ही आदिपुर के टीमस कॉलेज में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके राज सिंह ने कहा कि कार्य करते हुए परमात्मा पिता की याद रहे, इसके लिए अपने को निमित्त व ट्रस्टी मानकर चलना चाहिए। इसके बाद गांधीधाम के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लीडरशिप एटीट्यूड विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके गीता ने कहा कि सच्चा लीडर वह है जो पूरी टीम को अपने साथ लेकर चलता है व समय समय पर उनमें ऊर्जा व उत्साह भरता है। इस अवसर पर गांधीधाम के प्रमुख दिनेश गुप्ता, बीके भारती चैम्बर के उप प्रमुख इत्याद मुख्य रूप से उपस्थित थे। अहमदाबाद से आई बीके हसमुख ने अपने अनुभव शेयर किए। इसी दौरान भारतीय विकास परिषद के सदस्यों के लिए अग्रसेन भवन में संबंधों में सद्भावना विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें बीके गीता ने कहा कि सद्भावना युक्त व्यवहार ही सदा निर्विघ्न व सुखी रहने का आधार है। ओडिशा में बौद्ध के स्थानीय ग्राउंड में बुक एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने भी सहभागिता की और जनमानस के कल्याण हेतु बुक एग्जीबिशन लगाया, जहां लोगों ने कई प्रकार के आध्यात्मिक पुस्तकों के माध्यम से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी के मार्गदर्शन में एक शांति अनुभूति कक्ष भी बनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने राजयोग कमेंट्री के माध्यम से गहन शांति की अनुभूति की व अपने अनुभवों को साझा करते हुए राजयोग सीखने का संकल्प लिया। वह जिंदगी वह विषय पर महाराष्ट्र में कोल्हापुर के गांधीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके वी गिरीश को आमंत्रित किया गया था, जिसका शुभारंभ करवीर के विधायक अमल महाडी, पुलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड़, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भजन लाल डेमड़ा, प्रोफेसर बीके वी गिरीश, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में बीके प्रोफेसर ईवी गिरीश ने कहा कि जिंदगी को वाह बनाना है तो अपने अंदर के दैवी मूल्यों को जागृत करना होगा, जो कि राजयोग से ही संभव है। ऐसे ओडिशा के रायगढ़ सेवा केंद्र के अंतर्गत कोलोनारा गांव में संचालित गीता पाठशाला का भी दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ गांव के तहसीलदार गुरुचरण मल्ला, इंस्पेक्टर विकास हेमबरम, सीडीपीओ अवंती साहू, रायगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती, बीके उर्मिला, बीके अश्विनी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर व केक काटकर किया। इस कार्यक्रम में बीके श्रीमती ने सभी को बताया कि परमात्मा शिव किस तरह नई दैवीय दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। वहीं अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीएयू स्कूल में सरकारी स्कूल के प्राचार्यों के लिए दिनचर्या में मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सिविल लाइन सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सरस ने सभी को जीवन में मेडिटेशन का महत्व बताया। वहीं स्कूल के प्राचार्य एस कुलदीप सिंह ने जीवन में शांति को अत्यंत आवश्यक बताया। बड़ा चंगा है कि मन को शांति मिल जाए। मेरा ख्याल है घूमते घूमते देव पुरुष भी हार गए हैं, पर मिलती नहीं है कितने, पर ये जतन करते बाहर भी नहीं जा सकते। जतन करना है, थोड़े जे जतन थोड़ी लगन लग गई। इस तो बाद इन्होंने एड्रेस दिते हैं मैडम ने, तो जो कोई जाना चाहता तो जरूर जाए, क्योंकि मन की शांति बहुत जरूरी है।
माउंट आबू के बीके बालू ने महाराष्ट्र में पूर्णा के आईआईटी कॉलेज और जवाहर इंग्लिश मीडियम स्कूल में तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई। इस मौके पर युवाओं को बताया कि किस तरह से सफलतम व्यक्ति बनने के लिए मन का एकाग्र होना व चरित्रवान बनना आवश्यक है। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया में सिविक चैम्बर ऑफ द रशियन फेडरेशन में बच्चों की सुरक्षा के लिए और यातायात के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन संबंधित मंत्रालय और विभागों के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस फोरम का उद्देश्य नागरिकों की जिम्मेवारियों में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना था, जिसका अहम मकसद रूस में सड़कों तथा रेलवे पर बच्चों के साथ होती आ रही दुर्घटनाओं की रोकथाम, इसके साथ ही साथ यातायात के नियमों के प्रति सचेत करना भी था। इस मौके पर आयोजकों की ओर से फेडरेशन काउंसिल मेंबर वेलेंटीला पेटरेंको ने कहा कि बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन देना आवश्यक है। वहीं मॉस्को में ब्रह्मा कुमारिस के निदेशिका तथा कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारिस के प्रतिनिधि बीके सुधा ने बताया कि यातायात के समय विचारों का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी दुर्घटनाओं से बचाव हो पाएगा। वहीं यूएसए में शिकागो के रॉकफोर्ड गुरुद्वारे में ब्रह्मा कुमारिस को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके डॉक्टर बिन्नी का गुरुद्वारे के अध्यक्ष बाबा दलजीत सिंह ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं जैन मंदिर में जैन समुदाय के लोगों से भी बीके डॉक्टर बिन्नी ने मुलाकात की और सभी को सकारात्मक सोच के कला विषय पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर जैन कम्युनिटी के अध्यक्ष विपुल शाह तथा 400 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई, जिनमें युवा तथा महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।